का पानी दुनिया में नंबर वन माना जाता है। जो बरसात का पानी है वो तो फोका पानी होता है, उसमें मिनरल्स होते नहीं, लगभग जीरो मिनरल्स होते हैं, वो पीने के लायक नहीं होता। लेकिन जब झरने से रगड़ खाता हुआ आता है पत्थरों से पानी, उसमें वो चार्ज्ड पानी होता है, जब उसकी स्पीड होती है। वो घर पर कैसे बनाएं? जब घर पर जो पानी आता है, जितना भी पानी आ रहा है टैप में पानी घर से, ये कॉरपोरेशन से पानी आता है, जो लोहे के जंग लगे हुए पुराने पाइप, इनर्ट पाइप या प्लास्टिक के पाइप में से होता आता हुआ पानी, वो इनर्ट पानी होता है, वो मैग्नेटिक फॉर्म में नहीं होता। झरने का पानी ऊपर से गिरता है तेजी से, वो मैग्नेटिक फॉर्म में आता है, वो आयोनिक फॉर्म में, उसमें एक स्पेशल इफेक्ट चार्जिंग का इफेक्ट होता है। तो वो पानी घर में बनाने के लिए बड़ा अच्छा साधन है, बड़ा ही सस्ता साधन है, कि जो या तो हम मिट्टी के बर्तन में पानी स्टोर करते हो या स्टील के बर्तन में कुछ लोग स्टोर करते हैं पानी, उसमें तांबा दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है जो पानी पीने के लायक बनाता है। तांबा, पानी के लिए तांबा सबसे अच्छी चीज़ है, और दूध के लिए चांदी सबसे अच्छी चीज़ है, दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ है। अगर दूध पीना है, हमें आयुर्वेद कहती है, इंडियन फिलोसफी कहती है कि दूध के लिए सबसे अच्छी दुनिया में अच्छी चीज़ है, और खाना खाने के लिए कांसा जो है सबसे अच्छी चीज़ है, और खाना बनाने के लिए पकाने के लिए पीतल के बर्तन कल ही करे हुए, ये सबसे अच्छी है। तो जो तांबा जो दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ है, इसको अच्छी तरह से साफ़ करके, जैसे नींबू और नमक से या इमली और नमक से साफ़ करके, कस के साफ़ कर लें, फिर पीने के पानी का जैसे घड़ा है मटका, उसमें हम ये डाल दें, या तो ये प्लेट डाल दें, खड़ी रहे, थोड़ी लंबी प्लेट हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या अगर कोई बर्तन है घर में, इसको भी अच्छी तरह से साफ़ करके डाल दें, इसमें डाल दें, जैसे ये है, इसमें भी कोई लोटा हो साफ़ किया हुआ जो साफ़ हो जाता है बिल्कुल, वो डाल देंगे अगर, तो अगर 10-12 घंटे पड़ा रहे ये, तो ये पानी की इम्प्योरिटीज़ को, जो हैवी मेटल्स हैं, जो चार्ज एलिमेंट्स हैं, जो उसमें बेकार एलिमेंट्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करके उसको पीने के लायक बनाता है और चार्ज कर देता है पानी को। तो ऐसे जिसके घर में जो भी तांबे की सबसे अच्छी बात है, चांदी की भी कर सकते हैं हम, सोने का भी सिक्का डाल सकते हैं, आयुर्वेद में ये भी मेंशन है, तांबा चांदी सोना सभी उसको प्योरीफाई करते हैं। तो अगर हम डाल देंगे तो 1 घंटे के बाद वो पानी पीने के लायक हो जाता है, जिससे कि हमारे इंटेस्टिन में वो एब्जॉर्ब अच्छी तरह से हो। ये जो पीने का पानी है हाइड्रोफिलिक होता है नेचर में, हाइड्रोफिलिक, जो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होता है और हमें पूरी ऊर्जा से भर जाता है। अदरवाइज जो प्लास्टिक की बोतल में लोग कहते हैं, ये देखिए स्प्रिंग वाटर है, ये बड़ा अच्छा पीने का पानी है, जब पानी को भर के रख दिया, कैद कर लिया हमने इसमें, ये तो इनर्ट हो गया, और इसमें यूजली जो TDS है इसका बहुत कम होता है, लगभग 50 से भी कम TDS होता है, जो कि बड़ा नुकसानदायक होता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की साइज़ की बात करें तो उनका TDS लगभग 200-250 के आसपास होता है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का। तो हमें 200-300 TDS का पानी तो पीना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी को फोका करने से अच्छा नहीं होता। कहते हैं इसे मिनरल वाटर, और मिनरल इसमें से निकाले हुए होते हैं, ये पानी रहेगा हमारा सबसे अच्छा मिनरल वाटर। जो घर में अगर फिल्टर लगाना है, तो फिल्टर भी एक सिंपल मैकेनिकल फिल्टर लगाएं, जैसे ये देखिए फिल्टर लगा हुआ है, RO हमने नहीं लगाया घर में, RO फिल्टर ना लगाएं, एक सिंपल मैकेनिकल फिल्टर जो पानी की स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं करता, ऐसा फिल्टर लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जिनके घर में नहीं भी है फिल्टर, वो छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा डाल के और फिर ऐसे बर्तन भर ले, तांबे के चीज़ डाल दे उसके अंदर, तो उससे सबसे अच्छा पानी मिलेगा। ये है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये देखा जाए तो इंडियन फिलोसफी का कॉन्सेप्ट है, भारतीय साइंस का कॉन्सेप्ट है, जिसको साइंस भी, मॉडर्न साइंस भी मान रही है। तो ऐसा पानी पी के आप धन्य हो जाएं, अपने शरीर के कीमती करोड़ों रुपए के ऑर्गन्स की रक्षा करें, सुरक्षा करें, जैसे हम लोग निरोगी रहते हैं ऐसे आप भी निरोगी रह सकते हैं, इसका पूरा लाभ उठाएं, और सब लोगों को ये सेशन शेयर करें। थैंक यू।